गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ग्लो वर्ल्ड। मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 टिप्स जो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके रैबिट को पालने के लिए फायदेमंद होगी। टिप्स नंबर 1, अगर आप अपने रैबिट को घर लाते हैं तो सबसे पहले उसकी एज देखिए, उसकी एज क्या है। अगर वो 2 to 3 मंथ्स है तो वो आपके साथ जल्दी फ्रेंडशिप करेगा, लेकिन अगर वो उससे थोड़ा सा बड़ी है तो वो आपसे फ्रेंडशिप करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा सकती है। टिप नंबर 2, जब आप किसी रैबिट को लेकर के आते हैं ना, तो उसके लिए एक जगह उसके लिए डिसाइड कर लीजिए। जैसे अगर आपके पास पिंजरा नहीं है तो आप जूट की बोरी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे अपने घर के एक जगह पर रख दीजिए और उसे वहाँ पर बैठा दीजिए। धीरे धीरे उसको उस जगह की आदत लग जाएगी और वो अपनी जो भी गंदगी है, टॉयलेट पॉटी वगैरह, वो उसी जगह पर करेगा, तो इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। टिप नंबर 3, कभी भी अपने रैबिट को नहलाए नहीं, अपने रैबिट्स को कभी भी नहलाइएगा नहीं, क्योंकि अगर वो उसे उस पर अगर आप पानी डालेंगे तो वो घबरा जाएगा, आपका रैबिट डर जाएगा, इसीलिए कभी भी उसे नहलाइएगा नहीं। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो टिप नंबर 4 ये है कि अगर आपको नहीं पता है कि आप अपने रैबिट को क्या खाने के लिए दे सकते हैं, तो आप उन्हें कैबेज के पत्ते दे सकते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। रैबिट्स को कैबेज खाना पसंद होता है और आप उन्हें बीट रूट दे सकते हैं, कैरेट दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप उन्हें देंगे तो वो उनको खा के हेल्दी रहे। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 ये है कि जब भी आप उन्हें एक जगह पर रखते हैं या खाना देते हैं तो उनके साथ पानी ज़रूर रखें। हमेशा खाने के बाद उन्हें पानी पीने को दें। उन जहाँ रखते हैं आप उन्हें वहाँ पे पानी ज़रूर रखें, क्योंकि पानी पियेंगे तो वो डिहाइड्रेट रहेंगे, उन्हें गर्मी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने के चांस कम होंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। ये थी इम्पॉर्टेंट 5 टिप्स जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपने घर पर एक रैबिट लेकर के आए एज अ पेट उसे पालने के लिए, तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग and do subscribe my channel and hit like on my video. Thank you.